सबसे फेवरेट फिल्म हम सबकी ओम शांति ओम है। ओके। और वो फिल्म में आपने मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जान आन बान शान सब लगा दिया था उस फिल्म के अंदर, उसकी कहानी बताइए ना। कि वो फिल्म एक्चुअली मैंने 14 दिन में लिख दी, क्योंकि वो तो फिल्म इंडस्ट्री के जो पुराने चावल स्टोरीज है वो तो हम तो पले बड़े हैं उस पर, तो वो तो इजी था हमारे लिए, क्योंकि वही बातें होती थी घर पे, वो जो डायलॉग होते थे मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, सीटें फट जाएंगी, ये सारे प्रोड्यूसर हमारी बिल्डिंग में ऐसे ही तो बात करते थे, तो वो तो इजी था मेरे लिए। क्या बात है। वो लिखना बिकॉज दैट इज एंड ऑल्सो वो जो फनी चीज़ें होती है हमारी इंडस्ट्री में, बट वो प्यार से दिखाना, वो बिटरनेस से नहीं दिखाया हम लोग ने, वो कॉमेडी में दिखाया कि वो जब ओम कपूर भी आता है तो वो, तभी मैंने नेपोटिज्म की बात की थी, 16 साल हो गए ओम शांति ओम को, तभी वो बोलता है साला इसका तेरा भी बाप कुमार या कपूर या कोई होता तो तू भी, तो नेपोटिज्म की बात तभी छेड़ी थी। तो उस मोहल्ले में ऐसी बात होती थी जिस मोहल्ले में आप रहते थे? नहीं, उसमें नेपोटिज्म नहीं, वो तो गिवन था, एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, वो तो मतलब वो तो रीत थी। हाँ, एक्टर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तूने इसको क्यों देखा जब तूने चोर का बेटा? चोर डॉक्टर पे देखा था। अच्छा, चोर पे आपने देखा? चोर पे देखा था। मैं चोर खत्म करके डॉक्टर शुरू किया था। नहीं तो ये जो ओम शांति ओम की कहानी आपने लिखी, 14 दिन में आपने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी? फट 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 लिख दी, क्योंकि वो तो अंदर से आई ना ऐसे, वो तो पूरे कॉमेडी सीन और सेक्रेटरी प्रोड्यूसर उसके ये वो तो मतलब ये तो हमला का बाएं हाथ का खेल था। और फिर वो पूरा पुनर्जन्म की कहानी वो मैंने लिखी, वो मैंने पहले लिखी थी। अच्छा। हाँ, लंदन में मैं 3 महीने रही थी, बॉम्बे ड्रीम्स कर रही थी, तो तभी मैंने वो वहाँ पर ये स्टोरी लिखी थी, क्योंकि बॉम्बे ड्रीम्स की स्टोरी थी कि एक झोपड़पट्टी का लड़का बड़ा बॉलीवुड स्टार बन जाता है, तो मैं बोलते ऐसा थोड़ी होता है, इनको मालूम ही नहीं है अंग्रेज़ों को बॉलीवुड में ऐसा थोड़ी हो, तो मैंने वहाँ पर अपना ड्राफ्ट लिखा था कि वो झोपड़पट्टी का लड़का तभी स्टार बनेगा अगर उसका पुनर्जन्म हुआ कोई बड़े एक्टर के घर में, तो मतलब तो वहां पर मैंने वो पूरा लिख कर वो भूल गई थी उसके बारे में। ओ। फिर मैं उना बना दी, मैं उना हिट हो गई, फिर हम लोग दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, फिर मैंने एक हैप्पी न्यू ईयर की एक स्क्रिप्ट लिखी जो एक्चुअली शाहरुख को पसंद नहीं आई, इट्स वेरी स्ट्रेंज क्योंकि अभी मैं डंकी का प्रोमो देख रही हूँ, वो वाला हैप्पी न्यू ईयर था 4 बॉयज वॉन्ट टू गो टू अमेरिका एंड बी तड़ीपार। Oh. And the only way they want to do it is if they take part in a dance competition, क्योंकि finals Las Vegas में है। अच्छा। तो तभी शाहरुख ने बोला मैं बहुत बूढ़ा लगूंगा, ये मतलब मैं too old to play this young boy and all, cut to मैं देख रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा अरे अभी क्या करें अभी क्या करें, तो शिरीष ने मेरे को बोला तेरे पास वो पढ़ी है ना एक, तूने एक ड्राफ्ट लिखा था, फिर मैंने पुराने पेपर में देखा तो वहाँ मुझे वो लेटर एंड्रू लॉयड वेबर के लेटर हेड पे मैंने पूरे बीट्स लिखे थे उसके, उसमें तो कुत्ता उत्ता भी था। आपका फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या होता है मैम, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना एक टच होता है, और आप तो एज अ कोरियोग्राफर इतना अच्छा काम करके जब आप आई है। प्रोसेस मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि केओटिक ऐसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है। मतलब एक एक चीज़, किसका जूता किसकी घड़ी, ओम शांति ओम तो हैज़ टू मेक ऑल 200 एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट का जब हेयर मेकअप होता था, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती थी, घड़ी टाइटन की पहनी है निकालो, 1970s में थी क्या ये, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब इतना इतना डिटेल में पूरा ऐसे, वो जो सत्य पे सत्ता में हेमा मालिनी नहीं चलती है वैसे, ऐसे मैं चल के देखती थी बाल ये वो, तो बहुत ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा है, तो टाइम सेविंग पैसा सेविंग है, जो भी पैसा है वो पिक्चर में दिखना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वैसा है, असिस्टेंट्स को माँ की आँख हो जाती है उनकी। एक डायरेक्टर अच्छी फिल्म कितने दिनों में बना लेता है कि ये कैसे बोलते हैं यार, कोई 10 साल ले लेता है ऐसे, तो अभी मुगले आजम को 12 साल लग गए, पाकिजा को 20 साल लग गए। अभी आप रिसेंटली कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी है? कौन सी आई है अभी? अभी जैसे पठान मेरे को बहुत अच्छी लगी, मुझे जवान भी अच्छी लगी। जवान आपको अच्छी लगी? हाँ, मुझे अच्छी लगी। जवान कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। हाँ, मेरे को जवान भी पठान से ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, मतलब पठान आई तो आई लव्ड इट बिकॉज आई वांटेड टू सी शाहरुख आफ्टर सो लॉन्ग, बट देन व्हेन जवान केम इट वाज इवन बेटर, सो थोड़ा और इमोशन एंड ऑल वाज देयर इन दैट। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।